Hello guys, I'm Sunil Gurwa and I welcome all of you to my channel. This is my first video. मुझे ये ब्लॉग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. अगर अच्छा लगे तो शपथ कीजिएगा. मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, बट मैं अभी कुछ काम की वजह से अपने काम की वजह से मैं अरुणाचल में रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आसामीज के बदले में हिंदी में बात करना ट्राई करूँगा. बीस बीस में आसामीज आ जाएगा, इसके लिए भी सॉरी पहले से, क्योंकि आसामीज लड़का हूँ, आसामीज बन रहा हूँ. फिर भी कोशिश करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा. थैंक्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो तो आप लोगों के सामने लेके जा रहा हूँ. तो आज मैं हूँ अभी अरुणाचल की इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सेपा नाम का एक टाउन है, वहाँ पर रहता था टाउन में. तो अभी मैं आज कुछ हाइकिंग करने के लिए आया हूँ यहाँ पर कमिंग रिभा के ऊपर. कमिंग रिभा में हाइकिंग करने के लिए आया हूँ. तो आज का वीडियो बस ऐसे ही होगा, नॉर्मल का वीडियो. तो अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा. थैंक यू. स्टार्ट द वीडियो. Look at the view, guys. ये नज़ारा देखो. Okay. तो problem क्या हो गया? मतलब क्या हम लोग hiking करने के लिए था? फिर भी क्या हो गया? वो जो केले का पत्ता है वो नहीं लाया. मतलब वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम लोग उसको काट कर रख पाए, इसलिए मैं अभी केले का पत्ता ढूंढ रहा हूँ. कहाँ है पता नहीं. इतना ऊँचा ऊँचा पहाड़ है, देखता हूँ कोई पर मिलता है कि नहीं मिलता है. पहले फिर बता रहा हूँ मैं कि आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग का मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए ख़राब तो हो गई पहला वीडियो है. बस आप लोग ये क्या बताऊँ, मतलब ये क्या नज़ारा देखो. पहाड़ों के बीच में एक बहता हुआ नदी, नदी का आवाज़. ये मिथुन, उसको और कोई नाम होगा शायद, पता नहीं मुझे. तो फिर क्या मतलब देखो, हाँ वीडियो शायद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना, क्योंकि बड़ा था एक्सपीरियंस नहीं है. अभी क्या मेरा दोस्त एक आया था, लेकिन वो चला गया पहले.
अभी मैं अकेला अकेला यहाँ पर बैठा था, अभी जा रहा हूँ वापस अपने रूम पर। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ वो जो रास्ता है वो कितना टफ है, वो कितना मुश्किल रास्ता है। तो लो चलो वो रास्ता आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरफ से यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा मेरे रास्ते के लिए। फाइनली ये लोग देखो मेरा हरामी दोस्त लोग मुझे छोड़ के आ गया था। अभी ऊपर से वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। सपने एक लड़की भी था ना, तो वो क्या हो रहा है पार चढ़ नहीं पा रहा, इसलिए वो रिवर्स कर रहा है शायद। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इतना, फिर भी अच्छा लगा। देखो 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 ना जा रही, तो फिर पहुँच गया फाइनली। तो फिर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट करना, लाइक करना, और जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करें तब मैं बाद में फिर से कोशिश करूँगा ब्लॉग डालने के लिए। ये फिर भी बता रही मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए बहुत सारी गलतियाँ होगी, उसके लिए माफ़ कर देना। अगर आखिर में फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। थैंक यू, बाय, stay safe.